रीवा में आज रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब रीवा को इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम में लगभग 4000 उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। इस आयोजन की भव्यता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो लोग शिरकत करने आ रहे हैं उन्हें शहर में कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा है। रीवा के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज डिग्निटरीज आ रहे हैं, कई सारे हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें आ रहे हैं और भी अन्य नागरिक आ रहे हैं जो इसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं और उसको देखते हुए हमने सुरक्षा और सुगमता के हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था लगाई है कि जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं शहर में कोई इशू ना हो। अलग अलग पॉइंट्स हमने पूरे शहर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने पुलिस व्यवस्था रखी है। इसके साथ साथ हमने जो ऑडिटोरियम है यहाँ पे भी हमने व्यवस्था रखी है। सुरक्षा के हिसाब से हमने यहाँ पे एएस चेक करवा रहे हैं कि डीएफएमडी एचएचएमडी प्रॉपर चेकिंग हो और जो पासधारी हैं सिर्फ उन्हीं लोग का यहाँ पे एंट्री रहेगी। अलग अलग तरीके के पास हैं जिनको जहां पे एंट्री है उस तरीके के पास हैं, जो आयोजक हैं उनको भी पास जारी है तो किसी प्रकार से बिना पास का कोई व्यक्ति यहां पे अलाउड नहीं रहेगा। हाँ कि कोई का अगर छूट गया है पास तो उसके लिए भी काउंटर्स बना रखे हैं। बाकी हम अपनी साइड से यह प्रयास है कि सुरक्षा तो दें लेकिन किसी को अनावश्यक किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इंडस्ट्रीज रीवा में इस तरीके का कॉन्क्लेव विकास के लिए है और सीएम भी मौजूद रहेंगे और बड़े बिजनेस टाइकून और इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था बिल्कुल सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हैं जिनको हमारे इंडस्ट्रीज विभाग ने हमको पॉइंट आउट किया था तो उनके लिए हमने कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सहजता के लिए भी कि वो आसानी से इस स्पॉट पे आ जाएं ताकि किसी प्रकार की उनकी परेशानी का ना हो, एक सुखद अनुभूति भी रहे उनको रीवा में आने की और यहां से उनके जब अच्छे एक्सपीरियंस रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के सफल होने की उम्मीद है। सीएम मोहन यादव के हवाले से ये जानकारी मिली है। अभी तक मध्य प्रदेश में 2.45 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है, साथ ही 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को खासकर जिनको काम की ज़रूरत है उन सबके लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से, ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है, अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए, वो 1 से 2 करे 3 करे और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है हम सबका संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है।